हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक नए ट्रैवल एपिसोड में कच्छ सीरीज के। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने पूंछ सिटी की पूरी टूर की, तो आज डे टू के सनराइज और चाय की चुस्क के साथ हम निकल पड़ते हैं वंडर ऑफ इंडिया की विजिट करने, द वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ। वैसे पूंछ से रणोत्सव की दूरी करीबन 80 किलोमीटर की है और रणोत्सव को विजिट करने के लिए गवर्नमेंट परमिट की भी जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप पूंछ से रणोत्सव की ओर जाते हो तो बीच में ही भिरंडियारा करके पुलिस चौकी पड़ती है। वहां से आप चाहे तो ऑफलाइन परमिट निकाल सकते हो या फिर ऑनलाइन भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई वेबसाइट से परमिट निकाल सकते हो। वैसे हमने तो ऑनलाइन ही परमिट निकाल ली थी, क्योंकि ऑफलाइन परमिट निकालने का टाइम करीबन 10 बजे से शुरू होता है और लाइन में भी खड़ा रहना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप भी कभी रणोत्सव को विजिट करने आए तो ऑनलाइन ही परमिट निकाल लें। तो यूं ही म्यूजिक को एंजॉय करते हुए और इस खूबसूरत से रास्ते को निहारते हुए हम पहुंच गए हैं हमारे रिसोर्ट रन होम स्टे में। हर साल रणोत्सव नवंबर से फरवरी में होता है और बाकी के महीनों में यहाँ कम ही टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अगर आप रणोत्सव में क्रिसमस, न्यू ईयर या फिर फुल मून के डेज पर आते हो तो मेक श्योर कि आप एडवांस में ही अपना बुकिंग करके आए। जैसे कि हम 10 लोग थे तो हमने 8 लोगों के लिए एक बड़ा सा कॉटेज और 2 लोगों के लिए एक बूंगा, जो कि एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में होता है, तो वो हमने एडवांस में ही बुक कर लिया है और इसका हमारा हो गया टोटल 13,000 रुपये इंक्लूडिंग 3 कोर्स मील। जब हमने रिसोर्ट के मैनेजर से पूछा कि ये कच्छ में लोग बूंगा में क्यों रहते हैं, तो मैनेजर ने बताया जैसे कि कच्छ का पूरा रीजन सेस्मिक जोन में आता है, तो अर्थक्वेक से बचने के लिए इस टाइप के घर साइंटिफिकली बेटर होते हैं और समर सीजन में अंदर से ठंडे, विंटर में अंदर से वार्म रहते हैं और तो और वाटरप्रूफ भी होते हैं। अब रिसोर्ट की बात करें तो हमारे रूम्स काफी स्पेशियस है और 8 लोग वाले कॉटेज में 2 बड़े वॉशरूम भी है। रूम्स एंड वॉशरूम वगैरह काफी नीट एंड क्लीन है और हमने जो 2 लोगों के लिए बूंगा बुक किया है वो भी काफी बड़ा है। अब हम आ गए हैं लंच करने और ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया। वैसे लंच काफी अच्छा है और अगर आपको जैन फूड की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हमारी अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन है काला डूंगर। सीढ़ा तो कसीने सा
कालो डोंगर जाते समय ही बीच में हम मैग्नेटिक पॉइंट में रुके, जहां पे हमने कार को न्यूट्रल गियर में डाल के बिना फ्यूल के कार चलाने का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंजॉय किया। कहा जाता है कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लद्दाख के मैग्नेटिक पॉइंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेटिक पॉइंट पे हमने थोड़ा ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया, और क्योंकि कालो डोंगर पे थोड़ी ट्रेकिंग भी करनी पड़ती है, तो अब कालो डोंगर जाने का प्लान स्किप करते हुए हम निकल पड़े रोड टू हेवन की ओर। वैसे रोड टू हेवन जाने का डिसीजन भी हमारा रॉन्ग प्रूव होने वाला था, क्योंकि हमें सनसेट से पहले ही व्हाइट डेजर्ट में पहुंचना था, लेकिन कच्चे रास्ते की वजह से हम सनसेट के जस्ट 10 मिनट पहले ही व्हाइट डेजर्ट पहुंचे। बाय द वे, हम बता दें कि रोड टू हेवन का प्लेस थोड़ा ओवररेटेड है, आप चाहे तो यहाँ पे जाने का प्लान स्किप भी कर सकते हो। तो फिर क्या था, घोड़े गाड़ी की शानदार सवारी करके हम फाइनली पहुंच गए द व्हाइट रन ऑफ कच्छ। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ, व्हाइट रन में जो लाइटिंग का डेकोरेशन किया है वो लाजवाब है। जब शाम को हम लोग रन से रिटर्न हो रहे थे, तब बीच में ही हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ कल्चरल इवेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है। तभी हमारी नज़र पड़ती है गरबा खेलते हुए कुछ लोगों की ओर। बीइंग अ गुजराती, गरबा चल रहा हो और हम भी गरबा ना करें ये कैसे हो सकता है। इस खूबसूरत सी इवेंट को एंजॉय करके हम निकल पड़े वापस रिसोर्ट की ओर। और वापस आके क्या देखते हैं कि लाइट्स के साथ रिसोर्ट और भी खूबसूरत लग रहा है। फिर हमें पता चला कि रिसोर्ट वालों ने भी कच्ची फोक सॉन्ग का इंतजाम किया हुआ है, तो हमने हमारा डिनर फटाफट से कंप्लीट किया और वो देखने चले गए। तो बस माइंड ब्लोइंग सिंगिंग परफॉर्मेंस और बॉनफायर को एंजॉय करते हुए हमारे डे टू की खूबसूरत एंडिंग हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना।
लाइक और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पार्ट। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।